राइट राइट शायद राइट शायद राइट शायद राइट शायद राइट यहाँ शायद शायद ऊपर यहाँ राइट शायद राइट शायद हमेशा एक्सप्रेस बहुत अच्छा था लेकिन राजा रतन सिंह के रूप में काजल लगाए हुए ओहो क्या बात यार पद्मावती के बारे में कुछ बताइए रतन सिंह के बारे में कुछ बताइए वेल पद्मावती एक बहुत ही एम्बिशियस फिल्म है एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है और मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है रुकना ये दो हफ्ते ये फिल्म कब रिलीज होगी बिकॉज एक साल की हमारी मेहनत है इस फिल्म के अंदर और बहुत ही स्पेशल फिल्म है आई थिंक हमारे लिए आई थिंक दर्शकों के लिए भी बहुत स्पेशल फिल्म होगी आई थिंक हिंदुस्तान के लिए बहुत स्पेशल फिल्म होगी बिकॉज जिस स्केल पर और जिस ऑनेस्टी और जिस सिंसियरिटी के साथ मेवाड़ को रिप्रेजेंट किया गया है चित्तौड़ को रिप्रेजेंट किया गया है हिंदुस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजडीज इन इंडियन हिस्ट्री और उसको जिस खूबसूरती से संजय सर ने दर्शाया है वो आई थिंक देख के ही समझ में आएगा आई थिंक ऑल ऑफ अस हम जितने भी हैं आज मैं आया हूँ आई एम श्योर दीपिका आई थी आई एम श्योर रणवीर आएंगे और हम सब ने इस फिल्म को अपना अपना खून दिया है अपनी अपना पसीना दिया है एंड वी ऑल रियली 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 वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस फिल्म सो वी कांट वेट टू सी व्हाट पीपल थिंक और अब ये फिल्म 3D में भी रिलीज हो रही है व्हिच मैं एक्चुअली हम लोग प्राइम फोकस We have gone to Prime Focus और वहाँ पे उन लोगों ने who are doing the poster of the film और originally इसको 3D में बनाने का plan नहीं था but जब film देखी गई लोगों ने उसको इतना पसंद किया that सामने से people approached and said that this film deserves to be in 3D और जब मैंने खुद जाके trailer 3D में देखा which was 2 weeks after the trailer had been launched I was in shock I was actually sitting there thinking ये मैं मेरी picture है यार I can't believe it so I really think it's going to be a cinematic experience which everybody in this country should see. I feel proud कि हमारा देश इस स्केल की फिल्में बना रहा है और हमारी सभ्यता को दर्शाते हुए हिंदुस्तानी फिल्म को इस स्केल पे बना रहा है ऐसा नहीं है that we are trying to go abroad and you know show a culture that is not us to try and look bigger. It's a very Indian film, it's a very Hindustani film and it's a film which talks about our history. क्या बात है? See बहुत ही different look है from पहले तो मुझे 4 महीने लगे ये मूंछ और दाढ़ी उगाने में बस पहले मुझे लगा था 1-1.5 महीने में मूंछ टर्न हो जाएगी बट फिर बाद में समझ में आया कि 3-3.5 महीने से पहले मूंछ टर्न होती नहीं और नीचे ही गिरती रहती है मूंछों में ताव लेना आसान नहीं है बिल्कुल आसान नहीं है तो बहुत यू नो बहुत उसको ग्रो करके बहुत मैनेज करना पड़ा है तेल और पिलाना पड़ता है उसको हाँ बहुत सारी चीजें होती है आई डिस्कवर्ड दैट यू नो मेंस ग्रूमिंग इज अ बिग एरिया बहुत सारे लोगों को ऐसी और मेंस ग्रूमिंग लाइंस खोलनी चाहिए